तो सेंटर पर पहुंच चुके हैं, और सेंटर पर पहुंचने के बाद अब जो है एंट्री कुछ टाइम में शुरू हो जाएगी बच्चों की। एग्ज़ाम का जो मॉर्निंग शिफ्ट है, फर्स्ट वाला सेशन ख़त्म हो गया है और बच्चे छूट चुके हैं, और चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या रहा आज के एग्ज़ाम का जो है, लाइक क्या था एग्जैक्टली, टफ था, आसान था, कैसा था। तो काजल क्या लग रहा है? मुझे जहाँ तक लग रहा है, जितना पढ़ाया गया है क्लासरूम में उस हिसाब से कंटेंट उस हिसाब से ही आया है, ना ज़्यादा ना कम। सर ओवरऑल मॉडरेट लेवल का पेपर था, ठीक है, और काफ़ी मॉडरेट टाइप पेपर था। तो चलिए और किसी से बात करें, आ जाइए। तो कैसा रहा आपका पेपर? जो से बोलना पड़ेगा, मैपिंग सीरीज किया था तो उसी से ओल्यूशन के मोल बॉय के बहुत क्वेश्चन को हेल्प हुआ। एक्चुअली ये पार्ट बी इज सम काइंड ऑफ हेक्टिक सर, पार्ट बी, ठीक है। और पार्ट सी में कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे और कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा कन्फ्यूजन था। बोलते हैं ना कि पेपर ऐसा बहुत ज़्यादा सिंपल फॉर्म में जैसे आता था सीएसआर का, वो नहीं था। अच्छा, ऐसा लग रहा है। हाँ, ठीक है। तो बेसिक लेवल पे भी थे पर थोड़ी ज्यादा रिवीजन की जरूरत थी, ऐसे लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब जो भी है आसान लगा था। अच्छा, पार्ट भी आसान। हाँ, कंपेयर टू पार्ट सी। पार्ट सी में कैसे क्वेश्चंस थोड़े ऐसे बने कि आप ज्यादा थोड़ा दिमाग लगाइए उसमें। सवाल था वो, हम लोग कौन सा एंडोसाइटोसिस पढ़ते हैं ना, एंडोसाइटोसिस, उसमें जो वो पिंच ऑफ करता है जो प्रोटीन डायनामिन, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, वैसे क्वेश्चन था। ठीक है, मैच द पेयर्स में आप इवोल्यूशन वाले क्वेश्चन आया था। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। हाँ, तो मतलब कुल मिलाकर के जो भी पढ़ा है उसी हिसाब से सारे क्वेश्चंस भी थे, बस आपने जो है आशा करते हैं कि बढ़िया से सारे उसमें से छांट करके सही वाले क्वेश्चन निकाले होंगे, है ना। चलो बढ़िया, ओके। जैसे आपने मैपिंग सीरीज में एक्सप्लेन किया था, जैसे लाइम डिजीज है वो किसका वेक्टर हो सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, और कौन सा? हाँ, सबसे बड़ा फैमिली कौन सा है प्लांट का, ब्रासिकेसी, ये सब का। अच्छा, बिगेस्ट फैमिली, बेस्ट बिगेस्ट फैमिली में शायद एस्कल्पिडेसी, या फिर अगर सबसे फैबेसी का ना, ये सारे कुछ बिगेस्ट, कुकरबिटेसी भी था। ठीक है, ठीक है। So, आज CSIR नेट का एग्जाम हुआ, इतनी सारी ठंड है जोधपुर में, और ठंड में ही सुबह सुबह 9 से 12 पेपर था, और सारे बच्चे परेशान थे कि ठंड में पेपर कैसे देंगे। फिर भी आज का ये एग्जाम बहुत अच्छे से दिया है, और हम अभी एग्जाम सेंटर के बाहर हैं। इस एग्जाम सेंटर में 9 से 12 CSIR एग्जाम का पेपर हुआ था, एंड अभी हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और हम इन स्टूडेंट से पूछने वाले हैं कि आपने पेपर कैसे किया, ये एग्जाम कैसे था, और आपने इस एग्जाम को कैसे सॉल्व किया क्वेश्चंस को, एंड आपके क्या क्या मतलब एक्सपीरियंसेस है। तो सबसे पहले आपका वेलकम, और सबसे फर्स्ट मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप अभी कैसे फील कर रहे हो? रिलैक्स फील कर रहे हैं, मतलब इतना सारा बोझ था 6 महीने वाला, वो सारा उतर चुका है अभी। ओके, अभी फ्री हो। अभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग देखते हैं कि इस एग्जाम में आपको कैसे लगता है कि आपका पेपर कैसे था? सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने प्रिपरेशन कैसे की? फ्रॉम IFAS। अच्छा, फ्रॉम IFAS प्रिपरेशन, मतलब आपने क्लास लगा के प्रिपरेशन की। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि प्रिपरेशन जो आपने IFAS में की थी, क्या आपको उसका बेनिफिट हुआ क्या? अच्छा, बहुत बेनिफिट हुआ। अच्छा, और जो IFAS का ऐसा हमने सोचा है कि वो रिविजन सेशन भी लेते हैं, एग्जाम मैपिंग भी लेते हैं, तो क्या आपको उसका कोई बेनिफिट आपको मिला क्या? बहुत ज़्यादा मिला। अच्छा, उसके क्वेश्चंस वगैरह आए थे क्या जो उन्होंने बोले थे? अच्छा, बहुत ज़्यादा आए थे। और सर यहाँ पे IFAS में जितना कॉपी में स्टडी मटेरियल लिखाते हैं लगभग उसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, वो सारे मतलब ऑलमोस्ट स्टडी मटेरियल से सारे क्वेश्चन कॉपी में लिखते हैं हम लोग, उसी से आ जाते हैं। अच्छा, उसी से आ जाते हैं, वेरी गुड।